अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी और मसाला फ्राइड राइस। उसके लिए मैंने 1 kg चिकन ली हूँ, इस तरह से कट लगाए हैं पूरा। और उसके ये मसाले हैं, सॉल्ट है छोटा 3 चम्मच, कश्मीरी रेड चिल्ली, धनिया जीरे का पाउडर है छोटा 1 चम्मच, और ये गरम मसाले का पाउडर है छोटा चम्मच, और 2 चम्मच ये तंदूरी मसाला है। 1 लेमन जूस यूज़ करेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 100 ग्राम दही है। सबसे पहले हम मसाला बनाते हैं। इसमें मैंने पहले दही ली हूँ, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, धनिया जीरे का पाउडर, और ये तंदूरी मसाला और सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, और ये नींबू का जूस, और 1 चम्मच ऑयल ली हूँ मैंने, बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप। मिक्स करेंगे इन मसालों को अच्छे से। इस तरह से मसाला होने पर हम इस तरह से चिकन पे लगाएंगे मसाला पूरा अच्छे तरीके से। और ये तंदूरी में ओवन में बेक करने वाले हूँ, फिर हम इसको चारकोल का धुआं देंगे। इस तरह से इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट रखी हूँ। और ये मसाला राइस के लिए, फ्राइड राइस के लिए 1 छोटा प्याज है कट करके ली हूँ मैंने, कुछ करी लीव्स हैं, 4 से 5 ग्रीन चिल्ली चॉप करके, थोड़ा फ्रेश धनिया है, और ये 1 आलू ली हूँ मैंने इस तरह से पतला चॉप करके, ऑप्शनल है। रेड चिल्ली पाउडर है छोटा 3 चम्मच, और ये करी पाउडर है 1 चम्मच, और धनिया जीरे का पाउडर, नमक, और ये राई और ज़ीरा छोटा 1/2 चम्मच से भी कम ली हूँ मैंने, और 1/2 चम्मच हल्दी है छोटे वाला, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये टमाटो पेस्ट है 1/2 यूज़ करेंगे हम इसमें से। तो ये पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल ली हूँ। सबसे पहले मैंने डाली हूँ राई और ज़ीरा, इनको हल्का सा सॉटे करने के बाद इसमें ऐड करी हूँ मैंने कटा हुआ प्याज, इनको भी हल्का सा फ्राई होने के बाद मैंने आलू डाली हूँ तुरंत ही, ताकि दोनों चीज़ एक साथ फ्राई हो। फिर मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर डाली हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छे से। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाली हूँ मैंने इसमें, ग्रीन चिल्ली डाली हूँ, और ये 1/2 चम्मच हल्दी, धनिया जीरे का पाउडर, करी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, और इन मसालों को भुनने के लिए हल्का पानी ऐड करी हूँ मैंने, ताकि मसाले भुन जाए अच्छे से। इस तरह से भुन के रेडी हुआ है ये। फिर इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इनको भी अच्छे से। इसमें भी मैंने हल्का पानी ऐड करी हूँ, ताकि टमाटो पेस्ट का कच्चापन का स्मेल चला जाए अच्छे से भुनने में। इस तरह से होने पर नमक ऐड करी हूँ मैंने इसमें। राइस बॉईल करने के टाइम भी उसमें मैंने नमक ऐड करी थी, और ये आलू भी अच्छे से पक गया है। और राइस को मैंने सादा से बस नमक डाल के बॉईल करी हूँ, और इसमें अब राइस ऐड करेंगे हम पका हुआ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेश धनिया पत्ता, ढक के 2 से 3 मिनट बस पकाएंगे इसको, और ये हो जाएगा रेडी। तो चिकन बैग के लिए मैंने ट्रे रेडी करी हूँ। इस तरह से मैंने चिकन को रखी हूँ इस पर, 1 घंटा बेक होने के बाद बचा हुआ मसाला मैंने इस तरह से पूरी चिकन पे लगाई हूँ,
और ओवन को मैंने 250 डिग्री पे प्री हीट करी हूँ 10 मिनट, फिर 45 से 50 मिनट तक बेक करी हूँ मैंने, क्योंकि कन्वेक्शन ओवन नहीं है ये इसलिए। फिर ये चिकन रेडी होने के बाद इसको चारकोल का मैंने धुआं लगाई हूँ, थोड़ा सा बटर डाल के इस तरह से फॉइल से ढक के 5 से 6 मिनट बाद ये रेडी हो गया था। तो इस तरह से रेडी हुआ है ये, आप एक बार ज़रूर बनाए ट्राई करें। और मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट के ज़रिए बताइए, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।